दिस इज़ द लेक्चर 3 पार्ट 2 और इस वीडियो में हम लोग डिवीन के टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आपकी बुक से मैं डिवीन आपको शो करूँ तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं डिवीन के, आपने इनको देखना है। और इसके साथ साथ कुछ टर्म्स हैं डिवीन की जिनके बारे में मैं आपको बताती हूँ, जैसे मल्टीप्लिकेशन के कुछ टर्म्स थे जिनको मैंने आपको बताया था, इसी तरह से कुछ डिवीन के टर्म्स उनको देख लेते हैं। ये एक डिवीन आपके सामने सिंपल सी सॉल्व हुई हुई है, जिस नंबर के साथ आप डिवाइड कर रहे होते हो उसको आप कहते हो डिवाइज़र। जिस नंबर ने डिवाइड होना होता है वो होता है डिवाइडेंट। आपके पास जो आंसर आता है उसको आप कहते हो क्वोशेंट, और जो एंड पे एक नंबर आपके पास बच जाता है आप उसको कहते हो रिमाइंडर। कि कुछ टर्म्स हैं इनको आप लोगों ने याद रखना है या आपको पता होनी चाहिए कि डिवाइजर क्या होता है, डिवाइडेंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है और क्वोशेंट क्या होता है। सो आपकी बुक का क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने आपकी बुक से पिक किया है, और जब भी मैं डिवीजन के क्वेश्चंस अपने स्टूडेंट्स को सॉल्व करवाती हूँ तो मैं उनसे एक बात कहती हूँ कि हमें जो टेबल्स आते हैं वो 0 to 1 to 20 आते हैं, ठीक है। 20 के बाद हमें टेबल्स हैं वो बहुत अच्छे से नहीं आते, वो याद करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो डिवीजन में हमारे पास बहुत बड़े बड़े नंबर्स भी आते हैं जिनको मल्टीप्लाई कर करके हमने डिवीजन को सॉल्व करना होता है। तो मैं हमेशा उनको एक बहुत ईजी मेथड बताती हूँ जिससे आपकी डिवीजन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है। आपको क्या करना होता है कि जिस नंबर के साथ आपने डिवाइड करना है, जैसे यहाँ 24 है तो 24 को आप 2 से लेके 9 तक, जैसे यहाँ 24 2s are 24 3s are, रफ वर्क में सारी मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कर लें। उससे क्या होगा कि जब आप यहाँ पे कोई नंबर देखेंगे कि आपने इसको डिवाइड करना है तो क्या आंसर आएगा, अब बजाय 1 by 1 मल्टीप्लाई करने के आपने सब नंबर्स मल्टीप्लाई किए होंगे, आप पिक करेंगे यहाँ से, देखेंगे और करते जाएंगे कि ये नंबर यहाँ आएगा नहीं आएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है या 3 के साथ करना है, ठीक है। आपने जब भी डिवीजन सॉल्व करनी है रफ वर्क में पहले ऐसे से मल्टीप्लाई कर लेना है, उसके बाद आपने डिवीजन करनी है। अब हम डिवीजन करना देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है सबसे पहले 43, 24 के टेबल में 43 क्लोज क्या आता है, ये आपके पास है 24 2s are 48। डिवीजन में हमने हमेशा वो नंबर लिखना होता है जो इस नंबर से छोटा हो, इस नंबर से बड़ा हम नहीं लिख सकते। तो 24 2s are 48 और 24 1s are 24, इट्स मीन हम इसको करेंगे 24 1s are 24। जब एक आपकी नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करके डिवीजन कंप्लीट हो जाए तो आप एक लाइन प्लेस कर देते हो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको माइनस करना है। 13 minus 4 is 9, यहाँ पर था हमारे पास 3 3 minus 2 is 1, अभी आपके पास है 19। नेक्स्ट डिजिट 2 है वो यहाँ नीचे आ जाएगा और अब ये बन जाएगा 192। अब हम अपनी मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे 192 कहाँ आता है। 6 के साथ है 144, 7 के साथ है 168, 8 के साथ है 192, ये एग्जैक्टली 192 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 24 8s are 192, ठीक है। अब ये माइनस करेंगे तो 0 आएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट वी हैव 5। अब 5 की डिवीजन जब हमने करनी है तो क्या 5 24 के टेबल में आता है, नो। 5 से छोटा क्या आता है 24 के टेबल में, 0। 24 0s are 0, 5 minus 0 is 5। नेक्स्ट किसकी टर्म है, 56 की, तो ये बन जाएगा 56। अब अगेन यहाँ देखें 24 2s are 48, 24 3s are 72, 72 बड़ा हो जाएगा, मैं 24 2s are 48 करूँगी, इसको माइनस करूँगी, 6 minus 8 नहीं होता, 16 minus 8 is 8। लास्ट मेरे पास एक डिजिट रह गया 1, मैं इसको नीचे लेकर आऊँगी, ये बन जाएगा 81। अब मुझे यहाँ सर्च करना है, 81 तो नहीं है, 96 and 72 है, 96 बड़ा हो जाएगा, 72 से छोटा है, मैं ये यूज़ कर सकती हूँ। 24 3s are 72, 24 3s are 72। अब मैं इसको माइनस करूँगी अगेन, 11 minus 2 is 9। अब यहाँ पे मेरे पास कोई डिजिट नहीं बचा नीचे लाने के लिए, सो दिस इज़ माई रिमाइंडर।